सत श्री अकाल जी सारयां नूं स्वागत है तुहाडा एवी फूड मैजिक जी। अज असीं अपने किचन च बनाउण जा रहे हां पंजाबी खजूरां। जब पहले दे जमाने च बिस्किट नहीं चलते सी, सारयां दे घरां च खजूरां ही बनदियां सी, जो हैल्थ वास्ते बिल्कुल नुकसान नहीं करदियां सी और चाह नाल बहुत ही स्वाद लगदियां सन। अज असीं उही खजूरां दी रैसिपी तुहाडे नाल शेयर करन जा रहे हां, जिहदे नाल तुसीं भी परफेक्ट खजूरां घर च ही बना सकते हो। सब तो पहले असी तेल रख देंगे या घ्यो, जिदे च तुसी खजूरां तलनियां ने उन्हूं रख देंगे कढ़ाई च पा के गर्म करन लई। हुण एक भांडे च पाँगे अद्धा कप मैदा, एक कप आटा। तुसी चाहो तो इत्थे पूरा मैदा यूज कर सकते हो या फिर पूरा आटा यूज कर सकते हो, लेकिन जब तुसी पूरा आटा यूज कर रहे हो तो मौन तुसी थोड़ा सा ज़्यादा पाना है। इहदे च पाँगे 2 छोटे चम्मच सूजी दे और 2 छोटे चम्मच नारियल दे बूरे दे। नारियल दे बूरे नूं तुसीं स्किप भी कर सकते हो। 1 छोटा चम्मच पाँगे सफ़ेद तिल, 1 छोटा चम्मच पाँगे सौंफ। तुसीं सौंफ नूं चाहो तो दरदरा कुट के भी पा सकते हो। 1/4 कप पाँगे चीनी। जिस कप नाल तुसीं मैदा नापया उसी कप नाल चीनी भी नाप के पानी है और चीनी पिसी हुई होनी चाहिए। सारे समान नूं असीं चंगी तरीके नाल मिक्स कर लेंगे। जब मिक्स हो जाए अच्छे से तो ऐसे थोड़ा ऐसे पाँगे घ्यो। मौन हमेशा घ्यो दा लगाओ, घ्यो दा मौन ही सब तो अच्छा होंदा है। तो असी इत्थे पाए 1/2 कप घ्यो और इनू चंगी तरीके नाल मिक्स कर लेंगे। तुसी चाहो तो रिफाइंड का भी मौन यूज़ कर सकते हो, लेकिन घ्यो दा मौन यूज़ करने नाल एकदम खस्ता खजूरां बन के तैयार होंदियां ने। और इनू चंगी तरीके नाल पहले आटे नाल मिक्स करना है। इनू हाथ से दबा के देख लेंगे, इहदा लड्डू बन जाना चाहिए, यानी मौन परफेक्ट है। हुण थोड़ा थोड़ा पानी पा के इनू गुंद लेंगे। पूरा आटा गुंदने से सानू 1/2 कप पानी तो भी घट लगेगा। सारा पानी असीं खट्टा नहीं पाना, थोड़ा सा पानी पाँगे फिर इनू गुंदेंगे, फिर थोड़ा सा पानी पाँगे फिर गुंदेंगे। इस तरीके नाल इहदा असीं डो बना के तैयार कर लेना है। तुसी देख सकते हो खजूरां दा जिहड़ा असीं आटा गुंदिया उह ना बहुत ज़्यादा ढिल्ला है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट, एकदम ऐसे ही आटा गुंद के असीं तैयार करना है। उन खजूर तुसी किसी भी डिजाइन दे बना सकते हो। सब तो ईजी तरीका है, एक छोटा सा निप्पू दे साइज़ का पेड़ा लेना है, उन्हूं चपटा करना है और तुसी फोक नाल उहदे उपर डिजाइन बना सकते हो। तुसी चाहो तो इहदे उपर इहनूं फोक नाल डिजाइन बना के और इहनूं फोल्ड कर दोगे तो एक डिजाइन वो भी बन जाता है। लेकिन जिहड़ा सब तो पुराना तरीका जिहड़ा असी बचपन च बनाया वो हैगा टोकरी नाल खजूर बनाने का। वैसे ही लेना है एक छोटे साइज़ का पेड़ा और कोई भी टोकरी लेनी है जो भी सब्जी वाली होंगी उन्हें साफ कर लेना है, वो उपर पेड़ा रख के दबाँगे तो टोकरी का डिजाइन बन जाएगा। लेकिन असी इत्थे फोक नाल बना रहे हैं, डिजाइन चाहे कोई सा भी होए खजूरां बहुत ही स्वाद बनेंगियां, इस चीज़ की गारंटी है। पहले असीं 10-12 खजूरां बना के रख लेंगे, उन्होंने सेक लेंगे। जब असीं इन्हूं सेक रहे हाँ तो इस चीज़ का सानू ध्यान देना है कि जिहड़ा असीं घ्यो रखिया सी या रिफाइंड वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर घ्यो बहुत ज़्यादा गर्म होएगा तो खजूरां बाहर तो ब्राउन हो जाएंगियां लेकिन अंदरों कच्चियां रह जाएंगियां। और खजूरां नूं कदी भी सिम गैस ते नहीं तलना, इन्हूं मीडियम ते या फिर जब लगे कि घ्यो थोड़ा ठंडा हो रहा है तो गैस नूं थोड़ा सा फुल कर देंगे। और सब तो बेस्ट है कि घ्यो नूं नॉर्मल गर्म करो और मीडियम गैस ते खजूरां तलो। जब असीं सिम गैस ते खजूरां तलदे हाँ तो वह घ्यो पी लैनियां ने और तेल च ही पूरी फटना स्टार्ट हो जानियां ने। और खजूरां नूं एक बार पाने के बाद उन्हें थोड़ी देर सिकन देंगे ता ही उन्हें पलटेंगे और इस तरीके नाल पलटते हुए इन्हें असी ब्राउन कलर जद हो जाए तो निकाल लेंगे। सारी खजूरां नूं असी जिस तरीके का तुसी देख रहे हो उसी रंग का सेकना है और इनू किसी पेपर के उपर निकाल लेंगे, जिन्हें नाल जिहड़ा इहदा एक्स्ट्रा ऑयल है वह पेपर से निकल जाएगा। और सारी खजूरां नूं असी ऐसे तरीके नाल बना के तैयार कर लेंगे। तैयार ने साडी खजूरां। तुसी इस रेसिपी नाल खजूरां बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इस वास्ते तुसी भी घर से ट्राई करो और परफेक्ट खजूरा बनाओ। अगर तुहानू वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो नू लाइक करो, चैनल नू सब्सक्राइब करो और होरां नाल भी वीडियो शेयर करो।